बहुत ही आदरणीय में एक विश्वास के प्रतीक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में पिछले एक साल में पूरे प्रदेश में जब से कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी उदय भान जी के हाथ में कांग्रेस की कमान दी है तब से पिछले एक साल में लगातार जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है पूरे प्रदेश में पैंतीस से ज़्यादा पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पैंतीस से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं पिछले एक साल में ये छोटी संख्या नहीं है आप अंदाज़ा लगा सकते हो और लगातार जो सम कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है हमेशा हरियाणा में जिन्होंने गरीब की वंचित वर्ग की किसान की दलित की आवाज़ उठाने का काम किया आदरणीय चौधरी उदय भान जी हमारे बीच में हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हमारे आदरणीय डॉक्टर रघबीर सिंह काद्यान जी आदरणीय अशोक अरोड़ा जी जो हमारे बीच में पहुँचे हैं आज इस सभा में आदरणीय जगबीर मलिक जी हमारे विधायक हमारे हमारी बहन पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से जो बड़ी काबिलियत से आपकी आवाज़ उठाती हैं बहन गीता भुकल जी हमारे जो भी प्रभारी लगे हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के राव नरेंद्र जी हमारे एक विधायक जिनका आपने दो दिन पहले वीडियो देखा होगा 26 जनवरी का विधायक नीरज शर्मा जी देखा था कि नहीं रखा वीडियो जिनको सरकार ने क्या कसूर था हमारे एक ऐसे विधायक हैं जो अपनी आवाज उठाते हैं बार बार अपने फरीदाबाद में आज फरीदाबाद का बहुत बुरा हाल ही सरकार में हुआ है भ्रष्टाचार और विकास की पटरी से फरीदा उतर गया वो बार बार आवाज़ उठाते हैं यही उनका कसूर था बेचारों को पुलिस ने जिस तरीके से एक अपमानित करके 26 जनवरी में जाने से रोकने का काम किया देश में एकमात्र विधायक होंगे जिनको कभी रोकने का कार्य किया गया होगा और उनको डिटेन किया लेकिन जो है वो बहादुर से आवाज़ उन्होंने अपनी उठाई हम धन्यवाद करते हैं हुडा साहब ने जो है वहाँ जाकर जो उनकी आ, वहाँ पे जब नीरज जी देख लिया होगा वीडियो मैं क्या बताऊँ आपको तो हमारे भाई नीरज शर्मा जी वो पहुँचे हैं और आज के हमारे है? और हमारे आज के मेन आज के हमारे आयोजक आपके सुख दुख के साथ ही जो दिन रात आपके बीच में रहकर और इस क्षेत्र की आवाज़ हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में बड़ी काबिलियत से उठा रहे जिनको मैं बधाई देना चाहता हूं बहुत बहुत और आप सबका मैं धन्यवाद और आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि आज कड़ाके की रिकॉर्ड ठंड में आज तो सूरज भी नहीं निकला ऐसे समय में और इतना लेट आज हम कई घंटे लेट क्योंकि दिल्ली में कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि हम वहाँ से लेट चल पाए मैं समझता हूँ कि अभी समय जो है ये कोई रैली का समय नहीं बचा इतने घंटे से मेरे ख्याल क्या टाइम हो गया भाई तीन बज गए तीन बज गए पूरे दिन का धरना भी होता है तो भी तीन बजे जो है तक धरना नहीं चलता मगर जिस जोश के साथ और जिस बड़ी संख्या में पूरे जिले की अगर रैली हो तो इतनी बड़ी रैली समझ में आती है मगर ये तो एक अकेले बादली हल्के की रैली है मैंने माचरोली में इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं देखी है मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने भाई कुलदीप भाई कुलदीप वश जी को भी बधाई देता हूँ आप सबको बधाई देता हूं ये रिकॉर्ड जो आपने बनाने का काम किया है आपको बधाई देता हूं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि एक लड़ाई लड़ रहे हैं एक ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय की लड़ाई अन्याय से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसी लड़ाई में आपको पता है कि सबसे ज्यादा मुझे मुझे सत्ता बल निशाने पे रख के चलती है पिछली बार भी मैं निशाने पे था और लगातार मैं इस बार भी निशाने पे हूँ और इस लड़ाई में इनके पास बहुत कुछ है इनके पास दिल्ली में भी सरकार है चंडीगढ़ में भी सरकार है इनके पास धन बल भी है इनके पास सत्ता बल भी है इनके पास मीडिया बल भी है इनके पास सरकारी तंत्र बल भी है इनके पास बहुत कुछ है इनके पास छल और कपट बल भी है जो पिछली बार किया गया था इस लड़ाई लड़ने में अगर मेरे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला है जिस आधार जिसके आज आपने उस हौसले आज वो हौसला देने का काम किया है आज वो आशीर्वाद आज बहुत आज वो आपने आशीर्वाद दिया है हमारा जो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज हरियाणा में बहुत सी बातें हुई मैं ज्यादा बहुत लंबी बात ना करते हुए जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात 2014 में सरकार बनी बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी 19 में भाजपा जजपा की सरकार हो गई इस सरकार के चार महीने बचे हैं सरकार के कार्यकाल के चुनाव आचार संहिता लगने से पहले क्योंकि बीच में दो महीने लोकसभा चुनाव आएगा इनके चार महीने बचे काम करने के प्रदेश सरकार के पहले इनकी बात मैं करूं और फिर देश की सरकार की बात जहां तक इन सरकार चार महीने जब बचे हों तो तराजू पर रख के तोलने का आपका समय आता है कि इन्होंने कैसा काम किया विकास हमारे इलाके को और हमारे प्रदेश को विकास के मामले में आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया प्रदेश में आपसी भाईचारा अमन चैन शांति और खुशहाली प्रदेश में आई कि नहीं आई और ये सरकार अहंकार में गई अहंकार से चली या ये सरकार विनम्रता शराफत से चली कितनी मेहनत करी वो सारा तोल के आपको फैसला करने का समय है। जो हरियाणा प्रदेश देश में 2014 से पहले जब चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में देश में विकास में नंबर एक माना जाता था इनका रिपोर्ट कार्ड ये कि वो हरियाणा प्रदेश आज विकास दर में तो देश में सत्रवे पायदान पे आ गया विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा लेकिन देश में नंबर एक अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर एक पहुंच गया हर घर में एक नौजवान बेरोजगार शिक्षित न बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा में आज ना तो निवेश हुआ जो निवेश हुआ था जो औद्योगिक क्षेत्र बन लगे थे वो आपके हमारे समय उसी समय औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा में स्थापित किए गए थे कहीं थर्मल के कारखाने आए कहीं एमईटी आई कहीं आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉल टाउनशिप औद्योगिक क्षेत्र बने उस समय के बाद एक भी कोई नया ना तो औद्योगिक क्षेत्र बना ना कोई एक नई बड़ी इंडस्ट्री आई न ना ना बड़ी इंडस्ट्री भी उसी समय आई थी चाहे पेनासोनिक की बात हो चाहे योकोमा की बात हो चाहे एन की बात हो चाहे जेके सीमेंट की बात हो चाहे रिलायंस की बात हो चाहे मारुति की बात हो रोहतक के अंदर एशियन पेंट की बात हो बड़ी इंडस्ट्री भी उसी समय आई थी उसके बाद ना तो इंडस्ट्री आई ना तो निजी क्षेत्र में उस रूप में रोजगार में वृद्धि हो पाई और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार मिला सरकारी क्षेत्र में तो पांच साल तक ये नौकरी निकालते नहीं जो निकालते हैं वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ जाती है एच पी एस सी एस एस सी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगियां इस सरकार में तीस से ज्यादा पेपर लीक घोटाले और इसके बावजूद अगर कोई लिस्ट निकल जाती है निकली इन पांच साल में और इससे पहले भी ये हमने देखा तो उन लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर लगता है हरियाणा में ऐसी सरकार है जिनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा वाले कंधों से ऊपर कमजोर हैं और कंधे के नीचे मजबूत हैं ये मुख्यमंत्री कहते हैं दिखाई देता है कि ऐसी लिस्ट निकलती है एसडीओ की लिस्ट आई दो में अस्सी में से अठहत्तर बाहर के दो हरियाणा के एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई दो में निन्यानवे में से सतर बाहर के केवल बाईस हरियाणा के इस साल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट आई जिसमें एक में से एक सौ बाहर के केवल तिरपन एच की लिस्ट आई छत्तीस बहार के अभी ब्लॉक पंचायत अफसर के सात पोस्ट पंचायत अफसर ने पंचायतों में काम करना हरियाणा में काम करना है लेकिन सात सात की नियुक्ति आई जिनमें से पांच बाहर के केवल दो हरियाणा के बच्चों का अफसर मिला पांच साल तक रोजगार मिलता नहीं आखिरी साल में सीटी के धक्के खिला खिलाकर सीटी वालों को उनको कुछ दिया नहीं आखिरी साल में राजनीतिक झुंझुने के रूप में ग्रुप सी और डी निकालते हैं दो हजार उन्नीस में भी यही किया इस बार भी यही किया यही कारण है देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और बेरोजगारी जहां होगी वहां नौजवान कई नशे की तरफ देश में पहचान बदल दी हरियाणा की जो हरियाणा दूध दही का खाना था खेल खिलाड़ियों का हरियाणा था आज वो हरियाणा नशे में नंबर एक हो गया बेरोजगारी में नंबर एक हो गया आज ऐसी स्थिति इस सरकार में इन्होंने बनाने का काम किया बेरोजगारी में महंगाई में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली आज हमारी सरकार थी आपको याद होगा देश में सबसे सस्ती बिजली थी और चार बिजली बनाने के कारखाने थर्मल के कारखाने हरियाणा में खानपुर में झाड़ली में यमुनानगर में हिसार में और एक परमाणु कारखाना फतेहाबाद में लगने का काम हुआ था दस साल में खट्टर साहब ने एक नई बिजली का उत्पादन करने के लिए कोई नई यूनिट कोई कारखाना लगाया नहीं बिजली की खपत हरियाणा में बढ़ रही है और बिजली का जो समझौता उसके टर्म्स बदलकर बड़े उद्योगपति समूहों से महंगी बिजली लेकर हरियाणा में देश में सबसे महंगी बिजली आज सबसे महंगी बिजली सबसे महंगा डीजल पेट्रोल सबसे ज़्यादा आज हरियाणा के अंदर महंगाई ऐसी स्थिति आज हरियाणा में बना दी सरकार ने मगर केवल केवल बेरोजगारी और महंगाई नहीं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार खुली लूट हरियाणा में आपको याद होगा 2019 में लोग इस सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते थे मगर लोकसभा का जब हम चुनाव हार गए थे उसके बाद लोगों के मन में आई कि शायद बीजेपी की नीचे भी हवा हो इन्होंने नारा दे दिया बीजेपी ने खट्टर साहब ने क्या नारा दिया था पचहत्तर पार कहा कि बीजेपी जाएगी पचहत्तर पार लोगों ने उस पचहत्तर पार के नारे की हवा निकाल दी बीजेपी के चौदह मंत्री थे चौदह एक इस क्षेत्र से भी थे चौदह मंत्री थे बीजेपी के चौदह में से दो विधानसभा में वापस पहुंचे अगर सरकार से लोग खुश होते तो मंत्रियों को जब हमारी सरकार दोबारा लोगों ने चुनी थी तो सारे मंत्री पहले से ज्यादा बहुमत से चुन के आए थे चौदह मंत्री वापस नहीं पहुंच पाए विधानसभा में और प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला थे उनकी तो वहां से शायद जमानत भी उनकी बची थी कि नहीं बची थी ना तो पार्टी के अध्यक्ष जीत पाए थे ना कोई मंत्री लोगों ने सरकार को नकारा पचहत्तर पार की हवा निकाली चालीस पे बीजेपी को रोकने का काम किया लेकिन इस बीच में एक और पार्टी आई उस पार्टी ने नारा दिया क्या नारा दिया जे एक पार्टी आई जेजेपी दुष्यंत चौटाला नारा दिया बीजेपी को करो जमनापार बीजेपी जाएगी पचहत्तर पार दूसरा कहता था जमुना पार इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार पक्के यार बन गए लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया और कहा लोगों के बीच में कि हमारा समझौता हो गया इक्यावन सौ बुढ़ापा पेंशन मिलेगी इस बात पे समझौता कर रहे हैं और बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं आपसे आज जब चार महीने बचे हैं प्रदेश सरकार के कार्यकाल के वो इक्यावन सो पेंशन किसी की आई या नहीं आई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूं इक्यावन की बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था प्रदेश को लूटने का समझौता था भ्रष्टाचार करने का समझौता था आज सबको पता है कौन किस महकमे से लूटने का काम कर रहा है कौन बीजेपी का है कौन जेजेपी का है गुड़गांव में, में कौन लूट मचा रहा है में कौन लूट मचा रहा है रोहतक में, में कौन लूट मचा रहा है शराब के महकमे में, 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 में कौन लूट रहा है एक्साइज के महकमे में माइनिंग के महकमे में कौन लूट रहा है डबल इंजन से प्रदेश में भ्रष्टाचार करने का समझौता था प्रदेश को भ्रष्टाचार में शराब का तो ऐसा घोटाला आया कि कोरोना काल भी कोरोना काल में भी नहीं बक्सा गया पूरे देश के अंदर प्रदेश को भ्रष्टाचार के मामले में कलंकित होना पड़ा ऐसी सरकार हरियाणा में और विकास की पट्टी से उतार गया हरियाणा लेकिन अगर ये कुछ ना भी करते आज प्रदेश में कोई एक नया काम नहीं किया एक इंच मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई हमारे समय चार शहरों से मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ था एक इंच रेल की लाइन नहीं बिछी एक थर्मल का कोई कारखाना नहीं आया एक कोई नया अस्पताल नहीं बना एक कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बना एक कोई नया औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के अंदर नहीं लगा एक किसी गरीब को सौ गज का एक प्लॉट देने का कोई राहत का या किसान का कोई काम इन्होंने किया नहीं लेकिन ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते लेकिन इन्होंने तो अन्याय किया इन्होंने तो हर वर्ग को अपमानित किया हर वर्ग का तिरस्कार किया कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको ये सड़क पे ना लेके आए इन पांच साल में और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित ना किया इन्होंने किसान जब तीन कानून लेके आए तो किसान सड़क पे आया साढ़े सात सौ किसानों की देश के इतिहास में यह लिखा जाएगा कि एक सरकार ऐसी भी थी साढ़े सात सौ किसानों के शव इन धरणों से वापिस आए कौन सा वो वर्ग है जो एक साल तक धरने में बैठा रहा और एक के बाद एक चिताएं जलती रही इन धरणों से सब वापस आते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता ने किसी एक नेता ने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि इनकी बात नहीं मानते लेकिन कम से कम सहानुभूति के दो शब्द इनके लिए करते हैं किसान की बात आई तो किसान को अपमानित किया जवान की बात आई ये जय जवान जय किसान का देश था पक्की भर्ती होती थी हर साल हरियाणा से सा साढ़े पांच हजार जवान जाके भर्ती होते थे अग्निपथ योजना ले आए एक छह महीने की ट्रेनिंग छह महीने की छुट्टी और उसके बाद तीन साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस साढ़े पांच हजार जहां पक्की भर्ती होती थी वहां पर आज केवल नौ अग्निवीर लिए जा रहे हैं जिसमें से 200 पक्के होंगे बाकी घर वापस आ जाएंगे जब बच्चे बाहर निकले कि पक्की भर्ती होनी चाहिए तो बच्चों पे लाठिया बरसी किसान की बात आई किसान पे जवान की बात आई जवान पे भर्ती घोटाले हुए बच्चे बाहर निकले उन उनपे लाठिया सरपंच अपने अधिकारों के लिए बाहर निकले उन उनपे लाठियां आंगनबाड़ी और आशा वर्कर हमारी बहने ये बाहर निकली अभी हमें एक आंगनबाड़ी बहन मिली थी हमारी कह रही थी कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है उन उनपे लाठियां गरीब आदमी जब मनरेगा के मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए गए उनका बजट एक त्याई कर दिया उन पर लाठियाँ बरसी इस खट्टर सरकार में जब हमारे खिलाड़ी हमारी बेटियां जिन पे देश को गर्व था जब ये दिल्ली उतरती थी मेडल लेकर ओलंपिक के सारी बीजेपी सरकार उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन पे लाइन लगाकर फोटो खिंचवाती थी जब उनके वो अपनी न्याय की उन्होंने पुकार करी जब उनके साथ अन्याय हुआ वो केवल न्याय मांग रही थी उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया जब इतना अन्याय हुआ ये तो वो देश है जहां कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई अपनी बहन बेटी के सम्मान के लिए वो लड़ाई वहां पे भी हुई हर वर्ग के साथ अन्याय जब ऐसा अन्याय अगर हुआ तो मैं आपसे पूछता हूं तो इस हर वर्ग के साथ खड़े होना का हमारा कर्तव्य था कि नहीं था मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आज इनकी आंखों में मैं इसीलिए रड़कता हूँ कि इन्होंने यहां से छल कपट करके शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करके सारी ताकत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पिछली बार मुझे लोकसभा जाने से तो रोका लेकिन मेरी ईमानदारी को और मेरे ईमान पे मैं एक दिन भी मैंने हार नहीं मानी किसी वर्ग के साथ कोई लड़ाई हुई तो देश में आपका बेटा सबसे पहले उस वर्ग के साथ खड़ा दिखाई दिया और यही कारण है मैं पिछली बार तो मैं इनके निशाने पे था अब तो मैं जाता हूँ संसद में तो सारी बीजेपी के सांसद खुला बोलते हैं कि भाई पूरी देश की बीजेपी ने हमें फैसला कर लिया है पूरी देश की ताकत झोंक देंगे या तो तू तो झुक जा या जो है तेरे को पूरी देश की बीजेपी निशाने पे लेगी और मैं इनको कहता हूं मुझे परवाह नहीं आप मेरे को निशाने पे लो सौ बार लो मेरे इलाके कि छत्तीस बिरादरी के मेरे बड़े बुजुर्गों का मेरी माताओं बहनों का मेरे नौजवान साथियों का आशीर्वाद आशीर्वाद मेरे साथ है क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने इलाके को आगे लेके जाने की यहाँ से जो सांसद हैं आपने इनको मौका दिया भाजपा से मैं पूछना चाहता हूँ आज इस अवसर पे कि इन्होंने क्या एक काम किया हरियाणा लो, अपने लोकसभा क्षेत्र में खट्टर सरकार ने तो कुछ किया नहीं मगर ये सांसद बताएं इन्होंने कोई एक काम हमारे इलाके को आगे लेके जाने का किया हो काम नहीं भी किया हो लेकिन जब काम हमसे छिन रहे थे जब महम का एयरपोर्ट छिन रहा था जब एम्स में दस अस्पताल बनने थे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साथ बाकी दस अस्पतालों की फाइल ठंडे बस्ते में जा रही थी जब सूरा कलोही में सीआरपीएफ बीएसएफ का ग्रुप सेंटर जो हमारे समय बनना था जब वो उसकी फाइल जो है ठंडे बस्ते में जा रही थी जब मेट्रो जो साखोल से आगे सापलाओ के रोहतक तक पहुंचनी थी वो वहीं की वहीं उसकी फाइल ठंडे बस्ते में जा रही थी जो मंजूर शुदा काम थे जब उनकी फाइल भी ठंडे बस्ते में जा रही थी कम से कम पांच साल में संसद में खड़े होकर एक बार तो बोल सकते थे एक बार तो कह सकते थे कि भाई ये मुझे अगर मैं इन मैं कहना चाहता हूँ संसद में खड़े होकर ये तो बोलते पाँच तो साल में एक बार बोलना चाहिए था का नहीं बोलना चाहिए था मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई रोहतक लोकसभा क्षेत्र के विकास की भी लड़ाई है हरियाणा को विकास के रास्ते पर लेके जाने की भी लड़ाई है ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है सच्चाई आपको पता है मेरी गवाही तो दे सकते हो आप दे सकते हो 20 साल मैंने अगर जो है मैं समझता हूँ 20 साल दिन और रात हर रोज की अगर गवाही दे सकते हो तो आप उस गवाही गवाही दे सकते हो अगर मैं सच्चाई में आपकी आत्मा के तराजू पे तोल के आप फैसला करना अगर इमान, मैं ईमानदारी पे खड़ा हूं तो मेरा साथ देना मैं तो आज आपको यह कहना चाहता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपका साथ खाली नहीं जाएगा आपका साथ इतिहास बनाने का काम करेगा इतिहास रचने का काम करेगा यहाँ से आपका फैसला वो रोहतक तक नहीं जाएगा यहाँ से आपका फैसला चंडीगढ़ में आपकी सरकार लेके आएगा और देश के अंदर आपके देश के अंदर भी आपके फैसले की गूंज जाएगी ये मौका है मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ ये जो चुनौती दी है मुझे संसद के अंदर जो मैं बता रहा था आपको आपका साथ और आपका आशीर्वाद हो तो बताओ इस चुनौती को हम स्वीकार करें मगर फिर लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी मिलजुल के लड़नी पड़ेगी मैं अकेला एक नहीं लड़ सकता मगर आप हम सब मिल लड़ेंगे तो भाई सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई हम सबको मिल के लड़नी पड़ेगी कहीं मैं पहुंचूंगा कहीं आपको पहुंचना है किसी को मैं समझाऊंगा किसी को आपको समझाना है कहीं मैं नहीं आ पाया तो वहां भी आपको हाजिरी लगानी है ये बात लड़ाई मिलजुल कर और यह विश्वास दिलाते हैं यह विश्वास दिलाते हैं ये भाई ये 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 विश्वास मैं दिलाता हूं आपको हर शहर तरीके का समय सत्ता पक्ष और विपक्ष सब कुछ देखा इस बार हरियाणा में हरियाणा में आपका माहौल पूरे प्रदेश के कोने कोने में मैं जा रहा हूं आप भी जाते हो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में चारों तरफ लोगों ने मन बना लिया है हर कोने से एक ही आवाज आ रही है बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर सरकार जा रही है और हुडा साहब के नेतृत्व में उदयवान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा कोने कोने में हम चुनौती देते हैं जमुना पार वालों को भी चुनौती देते हैं आपकी दस सीट आई थी नब्बे सीट हरियाणा में आप अपना सोच समझ के उम्मीदवार उतार देना एक सीट से भी आपकी जमानत नहीं बचेगी आज मैं इनको भी चुनौती देता हूं क्योंकि इन्होंने बड़ा विश्वासघात किया लोग तैयार बैठे हैं इन सभी बदला लेंगे तो भाई हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी और हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी तो बाक़ी तो हरियाणा में जो कार्य होंगे वो हुडा साहब उदयभान जी आपके बीच में रखेंगे लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से अवसर मिलेगा तो भाई पहले भी मैंने अपनी तरफ़ से कोई कसर नहीं छोड़ी और इस बार कोई कसर अपने इस इलाके के लिए और पूरे प्रदेश के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा ये बातों को कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इतना जो आपने मान सम्मान किया है और इस हरियाणा में बदलाव लाने की इस लड़ाई में सच न्याय का ईमानदारी का जो आपने साथ देने का जो आज यहाँ संकल्प लिया है ना सच हारेगा ना ईमानदारी हारेगी ना न्याय हारेगा ना शराफत हारेगी ये अहंकार और शराफ ये अहंकार बनाम शराफत की भी लड़ाई है मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं मैं दस साल हो गए एक बार आए बादली हल्के में एक ये अहंकार नहीं है तो और क्या हुआ पांच साल में तो एक बार भी नहीं आए ज्यादातर हलकों में गए ही नहीं इतना अहंकार उनके दिल में इस इलाके के दर्द विकास का क्या दर्द होगा आपका मेरा क्या दर्द होगा अंदाजा लगा सकते हैं दस साल में नहीं आए चुनाव में आएंगे अब चुनाव तो चार महीने रह गए अब जब चुनाव शुरू हो जाएगा तो आएंगे पिछली बार एक रैली करी थी उसके बाद इलेक्शन में आए और इस बार तो पाँच साल में आए ही नहीं तो भाई हमको अपने पढ़ाई की मैं समझता हूँ पहचान करनी है मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जय हिंद